वापसी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीकी सदर बन गए। डेमोक्रेट की कमला हैरिस हार गईं। चार साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी। 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट लेकर कामयाब। कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट ले पाई। फैसला कुन 7 स्विंग स्टेट में से 4 में तो ट्रंप बासी ले गए। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में कामिला को शिकस्त। एवाने नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 195 और डेमोक्रेट्स 173 नशिस्तों पर कामयाब। 432 रुकनी एवाने नुमाइंदगान में अक्सरियत के लिए 218 नशिस्तें दरकार। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल हो गई। जीत के बाद ट्रंप के हामियों का जश्न। ट्रंप भी जश्न के दौरान झूम उठे। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का अज़्म। जीत के बाद नए अमरीकी सदर ने पॉलिसी दे दी। जंगें खत्म और बॉर्डर सील करने का ऐलान। फ्लोरिडा में जीत के बाद अपने हामियों से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीकी आवाम को आज अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका अब नए बुलंदियों पर पहुंचेगा। मामला ठीक होने वाले हैं। सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। हमें अपने बॉर्डर सील करने होंगे। जिसे भी अमेरिका आना है कानूनी तरीके से आए। हमें समाज के हर हिस्से के लोगों ने वोट दिया। नायब सदर जेडी विंस ने कहा, यह अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ा सियासी कमबैक है। ट्रंप की क़यादत आपके ख्वाबों और बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएगी। ट्रंप ने 50 में से 27 रियासतों में मैदान मार लिया। 19 रियासतों में कैमला हैरिस कामयाब। फ्लोरिडा, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिसूरी, टेनसी, वेस्ट वर्जीनिया में जीत। ट्रंप के नाम इंडियाना, साउथ कैरोलिना और केंटकी में भी ट्रंप फाते। टेक्सास, नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, फिमिक में ट्रंप ने मैदान मारा। कैमला हैरिस कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कोलम्बिया, मैरीलैंड से कामयाब हुई। ओरेगन और न्यू जर्सी आइलैंड में भी कैमला हैरिस जीत गई। ट्रंप जनवरी 2025 में हल्फ उठाकर बाकायदा जिम्मेदारियां संभालेंगे। रिपब्लिकन्स ने अमरीकी सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली। रिपब्लिकन्स 51 और डेमोक्रेट्स 43 नशिस्तों पर कामयाब। 34 नशिस्तों पर इंतखाब रिपब्लिकन्स पाते रहे। 11 नशिस्तों के गवर्नर्स का भी चुनाव। 8 में रिपब्लिकन्स और 3 में डेमोक्रेट्स कामयाब। रिपब्लिकन्स के गवर्नर्स 25, डेमोक्रेट्स के 23 हो गए। कई पाकिस्तानी ने याद अमरीकियों की जीत, कईयों की हार। टेक्सास डेमोक्रेट की टिकट पर सलमान भोजानी कामयाब। सलमान भोजानी दूसरी बार टेक्सास की रियासती असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। टेक्सास से सुलेमान लालानी भी कामयाब। कांग्रेस के लिए इंतखाब लड़ने वाले वाहिद पाकिस्तानी ने याद अमरीकी रिपब्लिकन उम्मीदवार हारून बशीर को पेंसिल्वेनिया में शिकस्त हुई। पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन उम्मीदवार एरन बशीन को भी शिकस्त का सामना। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट की मरियम को शिकस्त हुई। न्यूयॉर्क से आमिर सुल्तान भी नाकाम। मिशिगन से आयशा फारूकी हार गईं। अब ट्रंप की आजमाइश है। हमास का डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बयान। कहा, ट्रंप ने वादा किया था जीत कर चंद घंटों में जंग रुकवा देंगे। डेमोक्रेट्स की शिकस्त गजा में उनकी मुजरिमाना गफलत का नतीजा है। ट्रंप जो बाइडेन की गलतियों से सबक सीखे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, ट्रंप की वापसी इसराइल और अमरीका के इत्तेहाद के आजम का आयादा है। डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। एक्सपर पैगाम में कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की। नए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की भी मुबारकबाद। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को जंग की मुखालफत पर फतह मिली है। उम्मीद है नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। अमरीकी आवाम ने उन्हें शानदार फतह दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ नवाज़ की भी मुबारकबाद। कहा, ट्रंप और अमरीकी कौम को जीत मुबारक हो। पीटीआई रहनुमा ज़ुल्फ़ी बुख़ारी की भी पानी पीटीआई की जानिब से ट्रंप को मुबारकबाद।
दुनिया भर के रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबादें। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा, ट्रंप के साथ काम करने के मुंतजर हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुंतजर हैं। फ्रांस, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक और नेटो इतिहाद की भी ट्रंप को मुबारकबाद। चीनी वजारत खारजा ने कहा, अमेरिका के लिए चीन की पॉलिसी में फर्क नहीं आएगा, बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमेरिका के साथ काम जारी रखेंगे। सऊदी फरमारवा और वलीहद की भी ट्रंप को मुबारकबाद। I'm Jennifer with the latest breaking news on the US presidential election for Express News. Donald Trump has been officially projected as the 47th president of the United States. I'm Chris reporting for Express News from the US Capitol Hill in Washington DC. Republican candidate Donald Trump secured his path to become the 47th president of the US victory after clinching victory in Pennsylvania among other swing states. अमरीकी इंतखाबात की कवरेज में एक्सप्रेस न्यूज टेक्नोलॉजी की नई बुलंदियों पर। पहली एआई रिपोर्टर जेनिफर और क्रिस ने ट्रंप के सदर मुंतखब होने की खबर दी। जेनिफर ने बताया, शहरी इलाकों में ट्रंप की जीत डेमोक्रेट्स के लिए बड़ा धचका साबित हुई। ट्रंप नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं। क्रिस ने ट्रंप के तासुरात से आगाह किया। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन पल पल की खबर दी। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से रिपोर्टिंग। स्मॉग पंजाब को मफलूज करने लगी। चार डिविजन्स पे 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। निजी सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम होगा। सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क पहना लाजमी करार। पाबंदी का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिविजन में होगा। चारों डिवीजन के 18 इस्लामिक क्लासेस ऑनलाइन होंगी। 17 नवंबर को जायजा लेकर तालीमी इदारों का फैसला किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का ऐलान, कहा चार रोज़ हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ है। हम इस वक्त हवा नहीं मैथिन गैस सांस लेने के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान और भारत मिलकर काम नहीं करेंगे, स्मॉग का खात्मा मुमकिन नहीं। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से ऊपर रहा। औसतन AQI 586। दिल्ली दूसरे नंबर पर। रेस्टोरेंट्स में ओपन बारबेक्यू भी स्मॉग की बड़ी वजह बन रहा। महकमा तहफ्फुज माहौलियात पंजाब ने SOPs मजीद सख्त कर दिए। ओपन बारबेक्यू के लिए मुनासिब चिमनियों और एग्जॉस्ट का इस्तेमाल लाजिम करार दिया। विंड शॉवरिंग सिस्टम भी लाजिम करार। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबा एक साल में मुकम्मल होगा। GB में बिजली की दस्तियाबी बेहतर होगी। हुंजा में तरक्याती मंसूबों और बल्तिस्तान और कराकुरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ के फंड्स देने का ऐलान। वजीर आजम ने गिजर के सलाम मुतासरीन के लिए मॉडर्न विलेज का इफ्तिताह किया। मुतासरीन ने घरों के कागजात तकसीम किए। कहा, अगस्त 2022 में यहाँ वाही थी, आज खुशी का समा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे MNAs को असेंबली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें, एहतजाज ना करें तो क्या करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है, MNA ख्वाजा शहराज को उठा लिया गया। ख्वाजा शहराज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा, जिस तरह ख्वाजा शहराज को उठाया गया वो फस्तायत है। उम्मीद है नई अमरीकी लीडरशिप बाइडन जैसी नहीं होगी। £190 मिलियन रेफरेंस हतनी मरहले में दाखिल। अडियाला जेल में केस की समाप्त। वकला सफाई की 35 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। रेफरेंस के आखिरी गवाह पर 3 माह जिरह जारी रही। 37वीं समाप्त पर जिरह मुकम्मल हुई। नए प्रोसिक्यूटर ने मौकिफ अपनाया, रेफरेंस में मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटे उबुशा बीबी के 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटे की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर को समाप्त के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाप्त करेंगे।
बानी पीटीआई तारीख का ऐलान करें, पूरा मुल्क निकलेगा, ये आखिरी कॉल होगी। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने फिर खबरदार कर दिया, कहा गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वजीर की तकरीब हल्फ बरदारी में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वजीर आला का बेनामी असासों की निशानदही पर 40% रकम देने का ऐलान, कहा इस स्कीम से पटवारी ज्यादा फायदा उठाएंगे, उन्हें बेनामी जमीनों का ज्यादा पता होता है। कराची की अहम तरीन सड़क पर फिल्मी सीन, शाहराह फैसल पर चलती गाड़ियों से फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस सराय के मुताबिक फायरिंग का वाकया लड़की के तनाजे पर पेश आया। लड़की गाड़ी पर अपने नए दोस्त के साथ जा रही थी, साबिक दोस्त गाड़ी का पीछा करते हुए आया। बासर नौजवान ने गाड़ी पर फायरिंग करके उसे रुकने का कहा। लग्जरी गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी दूसरी गाड़ी पर फायर खोल दिए। दूसरी कार में मौजूद गार्ड्स भी जवाबी फायरिंग करते रहे। वाकये के बाद लड़की कार से उतरकर भाग गई। फायरिंग में मुलव्वस दो सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार, गाड़ी के तमाम शीशे काले थे। आवाम को थोड़ा सा रिलीफ, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1.28 रुपए फी यूनिट सस्ती, नेप्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक तमाम लाइफलाइन प्रीपेड सारिफीन और के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। उधर बिजली सारिफीन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी, तकसीम कार कंपनीज ने वसूलियों के लिए नेप्रा में दरखास्त कर दी। हुकूमत का महंगाई रोकने के लिए मिडल मैन पर सख्ती करने का फैसला, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है मुर्गी और दालों जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं, यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन पर कड़ी नजर रखें। वफाकी वजीर का डिजिटलाइजेशन के जरिए करप्शन को काबू करने का अज़्म, कहा टैक्स बढ़ाए बगैर अब चारा नहीं, मगर ये सनअतकारों और तनख्वाहदार तबके पर नहीं लगना चाहिए। मकबूजा कश्मीर असेंबली ने कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा, असेंबली में मौजूद बीजेपी अरकान आपे से बाहर, करारदाद की शदीद मुखालफत, करारदाद नायब वज़ीर-ए-आला और कांग्रेस रहनुमा ने पेश की। पंजाब में मवेशी पाल फार्मर्स के लिए बिला सूद कर्ज प्रोजेक्ट का चंद माह में आगाज, सीएम लाइफ स्टॉक कार्ड की रजिस्ट्रेशन शुरू, कार्ड 15 दिसंबर से फंक्शनल होगा, रजिस्टर्ड डीलर से वंडा मिनरल मिक्सचर खरीदा जा सकेगा। लाइफ स्टॉक कार्ड से पंजाब भर में 80,000 फार्मर मुस्तफीद होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज लाहौर से बरास्ता दुबई लंदन जाएंगी। वजीर आला जाती मुआलजीन से तिबी मुआयना करवाएंगी। मरियम नवाज का वालिद नवाज शरीफ के हमरा यूरोप के दौरे का इम्कान। पंजाब में मोटरवे बनती है तो जीटी रोड को कायम रखा जाता है। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाईकोर्ट के N9 मोटरवे पर रसाई के फराहमी के केस में रिमार्क्स, कहा जाम शुरू तक सहवन डबल सड़क मंसूबा 10 साल में भी मुकम्मल ना हुआ, अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो मुकम्मल हो चुका होता। पीएएफ एकेडमी असगर खान रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की भी तकरीब में शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया, पास आउट होने वाले कैडेट्स के मेहमान खसूसी को सलामी। जहांगीर तरीन का काश्तकारों से 400 रुपए फी मन गन्ना खरीदने का ऐलान, कहा किसानों के हुकूक का तहफ्फुज़ अव्वलीन तरजीह है, काश्तकारों को बरवक्त अदायगी भी यकीनी बनाएंगे। दूसरों का ख्याल रखने में पाकिस्तानी नंबर 1, आलमी सर्वे में हैरान कुन इंकशाफ। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पुरस्म होने के बावजूद इंतहाई रिवायत पसंद हैं। फ्रेंच फर्म की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत कामयाबी का तायुन जाती मलकियत से करती है।
खवातीन को सिर्फ अच्छी माँ और बीवी के किरदार में देखना चाहते हैं। बच्चे पैदा करने को माशर्ती फर्ज करार देते हैं। तकरीबन 100% ने मजहब और अकीदे को अहम करार दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 67% भारतीय अपने माशरे को टूट फूट का शिकार देखते हैं। सिंध हुकूमत माहौल को बेहतर बनाने के लिए मुतहरिक सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल कायम करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना इजलास में अहम फैसले। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात। सिंध में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जारी मनसूबों पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकार सूबा सिंध में सरमायाकारी करें, उन्हें हर मुमकिन तआवुन फराहम करेंगे। ट्रंप की जीत में एलन मस्क का बड़ा किरदार। जीत के बाद ट्रंप ने मस्क को उभरता हुआ सितारा करार दे दिया। अरबपति एलन मस्क की तारीफों के पुल बांध दिए। एलन मस्क ने ट्रंप के लिए नुमाया माली मदद की। मस्क ने ट्रंप के लिए तकरीबन $132 मिलियन अतिया किए। ट्रंप की कामयाबी पर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। डॉलर की कदर में इजाफा, यूरो, पाउंड और युआन की कदर में कमी। डिजिटल करेंसी बिटकॉइन भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। खाम तेल की कीमतों में भी कमी। सोने की आलमी कीमत भी गिर गई। आईसीसी नई टेस्ट प्लेयर रैंकिंग जारी। बाबर आजम, रिजवान और सलमान आखा की तरक्की। टेस्ट बॉलर्स में साउथ अफ्रीका के रबाता का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के नुमान अली की 9वीं पोजीशन। पाकिस्तान को फिर स्नूकर की सल्तनत मिल गई। मोहम्मद आसिफ तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बन गए। दोहा में खेले गए फाइनल में ईरानी क्विस्ट को शिकस्त। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। कहा तीसरी बार स्नूकर चैंपियन बनकर आपने सर फख्र से बुलंद कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की भी आसिफ को मुबारकबाद। और भारतीय रैपर हनी सिंह ने पाकिस्तानी गुरुकार को क्रेडिट देकर दिल जीत लिए। गुरुकार के रद्द अमल पर दुनिया भर के मद्दाह खुश।